दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा एक बहुत ही फेमस लिटरेरी डिवाइस जिसका नाम है सटायर। सटायर दोस्तों एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें किसी पर व्यंग किया जाता है, हिंदी में इसको व्यंग बोलते हैं, किसी पर अटैक करना या फिर किसी का मजाक बनाना। इस उद्देश्य से मजाक नहीं कि उससे लड़ाई की जाए, बल्कि ऐसे मजाक बनाना कि उसको समझ में भी आ जाए और उसको बुरा भी ना लगे। सटायर एक बहुत ही फेमस, बहुत ही गैर मामूली लिटरेरी टर्म है। आजकल पब्लिक फिगर्स पर जैसे पॉलिटिशियंस पर मीम्स बनाकर सटायर किया जाता है, तो इससे हमें पता चलता है कि सटायर सिर्फ लिटरेचर में नहीं होता, मीम्स बना करके भी सटायर किया जा सकता है, फिल्म्स या मूवीज़ बना करके भी सटायर किया जा सकता है। ऑगस्टन एज में बहुत ज़्यादा सटायर्स लिखे जाते थे दोस्तों। मैं आप लोगों को ढंग से बताऊंगा कि सटायर का पास्ट क्या है और प्रेजेंट में ये कैसे किए जाते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहले तो ये समझ लो कि सटायर एक लिटरेरी जनरा है जिसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जैसे ह्यूमर, आयरनी, रिडिकल, इन सब का यूज़ होता है। तो शुरू से शुरू करते हैं। सटायर का मतलब होता है ताना मारना, ऐसे मारना कि सुनने वाले को बुरा भी ना लगे और उसे समझ में भी आ जाए। लेकिन कभी कभार सटायर दुश्मनी निकालने के लिए भी किया जाता है, तो अधिकतर इसका यूज़ क्रिटिसाइज़ करने के लिए किया जाता है। आजकल तो बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स जैसे पॉलिटिशियंस, एक्टर्स पर सटायर किया जाता है मेम्स बना करके। लेकिन ये जो सटायरिस्ट होते हैं ये किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, तो इनसे थोड़ा बचकर ही रहना चाहिए। तो सटायर सोशल कमेंट्री करने का एक तरीका है रीडर्स को एंटरटेन करने के लिए। सटायर में बहुत सारे वर्क्स लिखे जाते हैं जैसे सटायरिकल नॉवेल्स, पोएम्स, एसेज, फिल्म्स, कार्टून्स, पोर्ट्रेट्स और मेम्स वगैरह। जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि सटायर में सिर्फ कॉमेडी ही हो, सटायर सीरियस भी हो सकते हैं। सीरियस का मतलब इतने सीरियस कि दुश्मनी निकाली जाए। और इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे बहुत से वर्क्स हैं, गिनती ही नहीं है, इतने सारे वर्क्स हैं जिनको सटायरिकल फॉर्म में लिखा गया है। जैसे मार्क ट्वेन का एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, ये जो नॉवल है ये प्री अमेरिकन सिविल वॉर पर सटायर करती है, उस टाइम पर जो रेसिज्म था और स्लेवरी थी उस पर सटायर करती है। लेकिन ये सटायरिस्ट क्या करते हैं, अपनी बात को दुनिया को बताने के लिए एक तरह से ह्यूमर का यूज़ करते हैं। ह्यूमर से ये सोशल चीज़ों पर कमेंट करते हैं, कमेंट्री करते हैं और उस सोशल चीज़ की बुराइयों को दुनिया को दिखाते हैं, जिससे अच्छी बात यह है कि सुधार आता है। तो सटायरिस्ट अपने सटायर्स लिखते क्यों हैं दोस्तों? कुछ ऑथर्स तो सोसाइटी में अवेयरनेस लाने के लिए, ताकि पॉलिटिशियंस वगैरह पर प्रेशर बना सकें, ऐसे पर्पज़ के लिए सटायर्स लिखते हैं, अवेयरनेस लाने के लिए, सुधार लाने के लिए, लोगों की गलतियां बताने के लिए, और पर्सनली जो दुश्मनी होती है वो निकालने के लिए भी सटायर लिखा जाता है। और सटायर्स के अंदर कौन कौन सी मेन मेन डिवाइसेस का यूज़ होता है? पहला तो वर्बल आयरनी, दूसरा एनाक्रोनिज्म, पैरोडी, अंडरस्टेटमेंट और ओवरस्टेटमेंट जैसी डिवाइसेस का यूज होता है सटायर के अंदर। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ऐसे सटायर के बारे में, एक तरह से मैं आपको ये बताऊँगा कि सटायर में ह्यूमर कंपलसरी नहीं है। यानी कि कुछ ऐसे सटायरिस्ट भी हैं जिन्होंने बहुत ही सीरियस सटायर लिखा है, जैसे जॉर्ज ऑरवेल की एक नॉवल है एनिमल फार्म। इस नॉवल का नाम आपने सुना होगा। ये नॉवल बहुत ही सीरियस लिखी गई थी, लेकिन बहुत से लोगों को इसमें ह्यूमर नज़र आता है। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये कोई फनी बुक नहीं है, बल्कि बहुत ही सीरियस बात इसमें लिखी गई है। अब दोस्तों बहुत ही गौर से सुनना इस वीडियो को, बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सटायर कितने टाइप के होते हैं। पुराने टाइम में सटायर दो टाइप के थे, पहला हॉरेशियन और दूसरा जुवेनेलियन। ये दोनों नाम आए हैं, दो बड़े रोमन सटायरिस्ट थे उनके नाम पर, हॉरेस और जुवेनल। इन दोनों ने अपने अपने सटायर के तरीकों को खोजा। और तीसरे टाइप का एक और टाइप होता है दोस्तों, जिसका नाम है मेनिपियन सटायर। ये एक ग्रीक सटायरिस्ट थे मेनिपस नाम के, उनके नाम पर ये नाम पड़ा है। दोस्तों ये जो तीन टाइप होते हैं सटायर के, जो आज के मॉडर्न सटायरिस्ट हैं सारे के सारे, उनको ये तीनों की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। इनको हर एक सटायरिस्ट को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इनको पढ़ने से सटायरिस्ट को पता चलता है कि किस टाइप से वो वैरायटी ऑफ फॉर्म्स को अपने सटायर में इंक्लूड कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉरेशियन सटायर की। ये दोस्तों एकदम जेंटल टाइप के सटायर होते हैं, टिपिकली कॉमिक सटायर। इस टाइप के सटायर्स में इंसान के नेचर की नॉर्मल गलतियों को बताया जाता है और मकसद रहता है कि रीडर को एंटरटेन करना है।
ताकि रीडर उस सटायर को देखकर खुद की कमियां भी पहचाने। जनरली इस टाइप के सटायर का कोई भी मकसद नहीं होता कि वो सोशल चेंज लाए, इसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, रीडर को एंटरटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर पोप का एक बहुत ही फेमस सटायर है, एक बहुत ही फेमस पोएम है, द रेप ऑफ द लॉक। ये जो पोएम है दोस्तों, ये पोएम एग्जाम्पल है हॉरेशियन सटायर का। इस पोएम के अंदर, इस सटायर के अंदर इंसान की कम अक्ल और इंग्लिश अपर क्लास सोसाइटी का मजाक बनाया गया है। दूसरे टाइप के सटायर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जुवेनिलियन सटायर। दोस्तों ये जो सटायर होता है ये हॉरेशियन सटायर से बिल्कुल उलट होता है, बिल्कुल अलग। ये एकदम ट्रेजिक और डार्क टाइप का सटायर होता है, इसमें मजाक नहीं होता। इस टाइप के सटायर दोस्तों आमतौर पर पब्लिक फिगर्स यानी कि पॉलिटिशियंस की गलतियों को हाईलाइट करने के लिए आयरनी का यूज़ करके लिखे जाते हैं। इसमें ऐसा लगता है जैसे किसी इंडिविजुअल से दुश्मनी निकाली जा रही हो। इसको अधिकतर सीरियस पॉलिटिकल राइटिंग्स में यूज़ किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल है जॉर्ज ऑरवेल की नोवेल एनिमल फार्म। एनिमल फार्म में पॉलिटिक्स पर ही कमेंट किया गया है। तीसरी कैटेगरी है दोस्तों मेनिपियन सटायर। दोस्तों इस सटायर के बारे में ये याद रखना कि ये सटायर का सबसे पुराना तरीका है। इसमें स्पेसिफिक लोगों को नहीं बल्कि माइंडसेट या फिर वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड व्यू को टारगेट किया जाता है। इस सटायर के अंदर आपके कॉमिक और सीरियस दोनों टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं। अब फाइनली मैं कुछ फेमस बुक्स के और फेमस पोएम्स के नाम बताता हूँ जिनमें सटायर किया गया है और किस किस पर सटायर किया गया है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले गलिवर्स ट्रेवल्स, इसको लिखा था जोनाथन स्विफ्ट ने। ये जो नोवेल है ये इंग्लिश सोसाइटी पर एक कमेंट करती है। दूसरा अलेक्जेंडर पोप की पोयम रेप ऑफ द लॉक। ये रेप ऑफ द लॉक जो है ये इंग्लिश अपर क्लास सोसाइटी की सिलनेस को दिखाती है। एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, इसको लिखा था मार्क ट्विन ने। ये दोस्तों प्री सिविल वॉर पे जो स्लेवरी थी उस पर कमेंट करती है। अमेरिकन साइको, अमेरिकन साइको जो वर्क है ये कैपिटलिस्ट अमेरिकन सोसाइटी पर कमेंट करता है। एनिमल फार्म, एनिमल फार्म कम्युनिस्ट और सोवियत यूनियन पर कमेंट करती है। फाइनली आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन रोमांटिक आइडियल्स पर कमेंट करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।